सम क्विक इन्फॉर्मेशन कि अभी पर्सनल सेशन और किसी भी तरीके के सारे सेशंस की जो लिंक है वो बंद कर दी गई है। लिंक चालू होगी 14 तारीख के बाद से, यानी कि 14 जून से लिंक स्टार्ट हो जाएंगी पर्सनल सेशन की। और जो भी वेबिनार्स मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ आफ्टर 15 या 14, आप जैसा समझना चाहें वैसा समझ लीजिए, लेकिन लिंक अभी ओपन नहीं है। इसलिए जो भी पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं प्लीज़ सब्र करें थोड़ा सा, आई नो, क्योंकि कुछ दिन मैं काफ़ी बिजी होने वाली हूँ और वो मेरी बड़ी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ है, तो उसका इंतज़ार करें। फुल प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ मुझे वो मैनिफेस्टेशन शो करनी है, तो उसमें वक्त ज़रूर लगने वाला है। लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए कि धमाकेदार न्यूज़, एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोग सब खुश हो जाओगे। और कैसे मैनिफेस्ट किया, क्या मैनिफेस्ट किया, सारी चीज़ें, लेकिन उस लिए वक्त लगेगा, इसलिए सारी लिंक क्लोज है। हाउ यू कैन हील योर सेल्फ, ठीक है, जब हमेशा ये सवाल आता है दी मैं खुद को हील करना चाहती हूँ, मैं कम्प्लीटली हील नहीं हूँ, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया या फिर कोई मुझे छोड़ के चला गया या फिर किसी ने ब्रेकअप कर लिया या कोई मतलब मेरे साथ रहना नहीं चाहता है रिलेशनशिप में, मेरे दोस्त नहीं है, मुझे बहुत डिप्रेशन फील होता है, दुनिया भर की चीज़ें अगर आप फील कर रहे हो और आप खुद को हील करना चाहते हो ना, तो यार देखो एक बात बताऊँ, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए खुद को सबसे अलग कर लो, ठीक है। ये जो ग्रुप्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपको उनमें से अपने रियल दोस्त को पहचानना ज़रूरी है। और अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, आपको खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खुद को हील किस तरीके से किया जा सकता है, पैसे मैनिफेस्ट हो सकते हैं, गाड़ी, बंगला, जॉब, सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है, लेकिन उन सारी चीज़ों तक पहुँचने के लिए खुद को हील करना है। सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन से मुझे याद आया, बहुत से लोग चाहते हैं दी हाउ टू फेस ब्रेकअप, कि ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे आए, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, यस ऑफ कोर्स कर सकता है। तो वीडियो डेफिनेटली आने वाली है, आप लोग सब के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब लिख लिए गए हैं, सारी चीज़ें एक ही दिन में पोस्ट नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ थोड़ा समझें कि कॉन्टेंट आ रहा है तो आएगा ही डेफिनेटली आप लोगों के। अगर आप एक ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, एक छोटा सा डेवलपमेंट चाहते हो, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। अगर आपकी वही वाली एनर्जी होगी, अनवांटेड एनर्जी, अनक्लियर फ्रिक्वेंसी, आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस, शाम के टाइम आइसक्रीम वाले बहुत निकलते हैं मोहल्ले से। खुद को हील किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है गॉड पे बिलीव करना। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, जब अपन कोई छोटे बच्चे को लेते हैं, जब अपन उसे प्यार से खिलाते हैं और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो अक्सर उसके पेरेंट्स उसको हवा में उछालते हैं, ऐसे उछालते हैं फिर कैच करते हैं। बच्चे को तो डर नहीं लगता, उसको बिलीव है कि उसके पेरेंट्स उसे कैच कर लेंगे। अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को ये पता है कि उनके ऊपर से यूनिवर्स ने एक छोटा सा कॉर्ड, इनविजिबल कॉर्ड बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वो पुल होता है और वापस अपने पेरेंट्स की गोदी में आ जाता है, पुल होता है वापस अपनी पेरेंट्स की गोदी पे आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग साइंस का लॉजिक लगाएंगे, यस ऑफ कोर्स ग्रेविटी कुछ है, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, आप जो बोलना चाहें वो तो डेफिनेटली इस दुनिया में है ही, एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप उस बिलीफ को तो देखें कि उस बच्चे को कितना बिलीव है। अपन जब किसी ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, अपन नहीं जानते कि कौन ड्राइवर है, कौन पायलट है, अपन सब नहीं जानते, बट एक बिलीफ के साथ बैठते हैं और अपनी जर्नी तक पहुँचते हैं और वापस घर पहुँचते हैं, बिकॉज अपन को बिलीव रहता है कि अपन को ये उस जर्नी तक पहुँचा देंगे और अपने घर तक वापस पहुंचा देंगे। ये छोटा सा बिलीव हर ह्यूमन बीइंग के अंदर रहता है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आप खुद को हील कर लोगे। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एटलीस्ट वंस इन अ वीक। मैं डेली भी करने मेडिटेशन नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक डू प्रैक्टिस मेडिटेशन। कुछ दिन बैठो, एक आध मिनट का टाइमर लगाओ, 5 मिनट का। तो सबसे पहला स्टेप है खुद के साथ हील होने का, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, डू सम रिचुअल, डूइंग चैंटिंग, हनुमान चालीसा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, गायत्री मंत्र, जो भी आप चैंट करना चाहते हो वो चैंट करो। उसके बाद रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिखने की आदत डालो और नोट डाउन वन अफर्मेशन,
आई एम कम्प्लीटली हील्ड नाउ। कोई ये नहीं बोलेगा कि यस अब मैं पूरी तरीके से खुश हूँ, अब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, अब मेरी सारी अंदर की डिप्रेशन चली गई है। इतने नेगेटिव वर्ड्स अफर्मेशन में कभी भी यूज़ मत करना। सिर्फ ये कहना नाउ आई एम कम्प्लीटली हील्ड। अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मैं क्या मेडिटेशन में बोलूँ, तो आप ये चैंट कर सकते हो, आई एम कम्प्लीटली हील्ड, मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ और हील हो चुकी हूँ। इस चीज़ को, इस अफर्मेशन को आप एक हफ्ते तक लगातार ट्राई करके देखो और रिजल्ट इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है सीक्रेट आस्था। सिर्फ मेरे कहने पे बिलीव मत करो, जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करने को बोले जाते हैं, मेरे जैसे जो भी पर्सनल सेशन लेते हैं, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, वो जो बोल रहे हैं उनकी बोली, जो वो बोल रहे हैं ना, वो बिलीव करो कि यार ये जो कह रहा है सामने वाले पर्सन सही है या नहीं। लेट्स ट्राई, तो ट्राई करके देखो एक हफ्ते तक ये अफर्मेशन। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड लिखो और मेडिटेशन के टाइम यही अफर्मेशन बोलो। 3 स्टेप में आप खुद को हील कर लोगे, क्योंकि इसी चीज़ से मैंने खुद को भी हील किया था और लोगों को भी हील करती हूँ। सो दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। सी यू सून इन माय अनदर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।